तो कैसे हो दोस्तों, आज से मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट, वो भी सर्वाइवल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम शुरुआत में जो करते हैं सब लोग वही करेंगे। तो पहले मैं अभी वुड तोड़ लेता हूँ। मैं भी अपना एक दिन बड़ा कासल बनाऊंगा टेक्नो गेमर्स के जैसे। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं माइनक्राफ्ट वुड कटिंग। तो आपसे मिलता हूँ थोड़े से वुड कटिंग्स के बाद। तो गाइज मैंने बहुत सारे वुड तोड़ लिए थे, इसलिए मैं थोड़ा जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैंने ऑफ वीडियो में थोड़ी सी ट्रेंडिंग कर ली थी और उसके बाद मुझे पीछे को पीछे की तरफ एक केव दिखा, तो भी बहुत बड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर जाकर थोड़ा आयरन वायरन इकट्ठा किया जाए। तो मैं इसके अंदर चल पड़ा। तो चलो आगे जाकर चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तो गाइज मैं इस केव में आके फंस चुका था, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया और मुझे पास ही में कोल दिखा। तो मैं चला गया जल्दी से कोल की माइनिंग करने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैंने कोल को तोड़ना शुरू किया। गाइज मुझे लग रही थी भूख और मेरा हेल्थ भी कम था, इसलिए मैंने अपना पका हुआ चिकन खा लिया और फर्नेस में कुछ मीट पक रहा था। और मैं यहाँ पर आके फंस गया था क्योंकि बाहर हो रहा था रात और मॉब्स स्पॉन हो रहे थे। तो मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और उसमें जाके बनाने लगा टॉर्च। तो जल्दी से इसका रेसिपी बनाते हैं टॉर्च का और टॉर्च क्राफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने टॉर्च इधर लगाया, फिर क्राफ्टिंग टेबल की तरफ देखा और उसे तोड़ने की सोचा। तो मैंने उसे तोड़ लिया और फिर फर्नेस को भी तोड़ा, उसके अंदर से सब निकाल के। तो जल्दी से मैंने तोड़ दिया उसको भी। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं वेट करने लगा सुबह होने की। तो मैं थोड़ा इधर गया थोड़ा उधर, फिर जाते रहा। फिर मुझे लगा कि सुबह हो गई, तो मैंने जल्दी से स्टोन को तोड़ा। तो देखा रात है, तो मैंने उसे दोबारा लगा दिया। अब मुझे दोबारा लगा कि सुबह होगी, तो मैंने जल्दी से जाकर उसे तोड़ा। तो देखा कि सुबह हो चुकी थी, इसलिए मैं टॉर्च वॉच तोड़कर कॉबल स्टोन लगा के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। तो देखा मैं थोड़ा फंस रहा था, तो फिर जल्दी जल्दी मैं ऊपर जाने लगा। तो जल्दी जल्दी मैं जाकर फिर केव के अंदर जाने की कोशिश की, पर मुझे एक क्रीपर दिख चुका था जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि वो गायब हो गया, पर फिर दोबारा देखा तो वो वहीं पर था। तो अभी देखते हैं हम कहाँ पर हैं। क्रीपर से बचने का मेरे पास एक निंजा थिंक की टेक्निक है। तो देखो क्रीपर कितना कम हेल्थ डैमेज किया अगर आपने एक कॉबल स्टोन लगा दिया हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह टॉर्च लगा के कोल माइनिंग करना चालू किया। थोड़े से कोल इकट्ठा करके फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर चला फिर मैं बाहर जाने की तैयारी में था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बाहर जाने लगा, वो भी बहुत स्पीड में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा हो लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से मैं चलता हूँ। तो इस पिक को मैं मार रहा था पर ये मर नहीं रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से मार दिया। फिर मैं आगे बढ़ रहा था और बड़े ही चला जा रहा था। फिर मैं थोड़ा और आ गया। फिर मुझे थोड़े से पेड़ भी दिखे थे, पर मैं थोड़ा झटके के अंदर फंस चुका था और मेरा हमदरबार कम हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा खाया
जल्दी से जाने लगा, बट यहाँ मुझे गौ माता दिख चुकी थी पर मैंने इसे नहीं मारा क्योंकि गौ माता हमारी माता होती है। तो आप भी नहीं मत मारना गौ माता को, तो अगर चाहे तो मार देना, आपकी मर्जी है वो। तो मैंने बैट बनाने के लिए शिव को मारा, फिर मैं जा रहा था, रास्ते में एक केक दिखा तो मैं उस केक के अंदर गया तो मुझे लगा इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, पर देखा तो उसके लिए बहुत बड़ा केक था इसलिए मैं जल्दी से चला गया। तो मैं जा ही रहा था और फिर मुझे बहुत मस्त नदी दिखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर हम अपना घर भी बनाएंगे, तब तक के लिए बाय।